राधा श्रीवासा देवी गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 और एक बार जोर से बोलो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति सरयोग सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री सभापति महोदय अन्नानंद पादगण समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बड़े सौभाग्य का दिन है, श्री गिरिराज की तलहट में और श्री राधा कुंड के समीप में बैठ करके आज श्री चैतन्य और विशेष करके श्री रूपानंद को सेवाश्रम और यहाँ पर बैठ करके श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान वैशिष्ट तक ऊपर में हमें कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए महाप्रभु का अवदान वैशिष्ट बहुत बहुत कुछ है, लेकिन हम आज चार विषयों के ऊपर में हम विवेचना करेंगे। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगत को दिया है उसका क्या गुरुत्व है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना माँ को जब महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे थे, महाप्रभु अपना माँ को कहते हैं आनेर तन्य अने रजत काचर। बोले माँ दूसरा का जो बेटा वो क्या ले आता है, सोना चांदी धन दौलत ले आती है, लेकिन खाई ले विनाश है ना है बरत है, उसको खाने से नष्ट हो जाता है, लेकिन आमी एने देव माता कृष्ण प्रेम था। लेकिन भैया मैं तेरे को साधारण चीज ला करके नहीं दूंगा, मैं तेरे को मैं कृष्ण प्रेम ला करके तेरे को दूंगा। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में आकर को मैंने क्या प्रदान किया है, अभी अभी महाराज जी बता रहे थे जब श्री रूप गोस्वामी ने ये श्लोक को लिखे जो अनर्पित चरण चिराग करुणयावतीर्ण कलौ, ये श्लोक को जब श्री चैतन्य महाप्रभु देखे प्रेम में इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए रूप गोस्वामी के ऊपर में, बोले तुमने मेरी भाव को समझा कैसे। इसलिए महाप्रभु इनका नाम श्री रूप प्रदान दिया, ये नाम श्री महाप्रभु देते हैं और किसी ने ये नाम तो नहीं दिया। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवरे मुझ्झन्ति जप सुरय, जहाँ भागवत का प्रथम श्लोक में कहते हैं बोले तेने ब्रह्म हृदय, बल आदि कवि कौन, बोले ब्रह्मा आदि कवि नहीं बल आदि कवि श्री रूप गोस्वामी। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बोले उनको जो रूप का जो उन्होंने हमारे बताए बोले प्रिय स्वरूपे प्रेम स्वरूपे ततान रूपे विलास रूपे प्रभु एक रूपे है। इसलिए महाप्रभु का जो रूप शब्द प्रदान किया है, इसलिए ये कृष्ण का रूप है, राधा जी के रूप है, महाप्रभु का रूप, ये सबका रूप श्री ये रूप गोस्वामी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के लिए बताए ततान रूपे, ततान मतलब होता है विस्तार करना। जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगत में आए बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप गदा मध्यम ददाति स्वपदाभुतम। अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं आते तो ये महाप्रभु है कौन, जगत में क्यों आए, जगत में क्या देना चाहते हैं, महाप्रभु का क्या अवदान वैशिष्टता है, फिर ये चीज हम कभी समझ नहीं सकते थे। इसलिए इनका नाम रूप शब्द इनका नाम दिया गया है। इसलिए तथा रूप में बताए जो विस्तार किया है महाप्रभु का, जो हृदय की जो इच्छा को जिन्होंने विस्तार किया है। इसलिए महाप्रभु जब ये श्लोकों को देखा ये अनर्पित चरण चिराग, महाप्रभु
इतने प्रसन्न हो गए, उनके हृदय में आनंद समाया नहीं। फिर उन्होंने सारे सारकों को पता चल दिया, स्वरूप दामोदर राय रामानंद सबको बुलाकर फिर लाए। फिर ला करके बोले बताओ तुमने मंगलाचरण श्लोक में क्या लिखे। उन्होंने जब फिर जब श्लोकों को बोले इतने प्रसन्न हो गए, कहते ये श्लोक में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों किस लिए और क्या उन्होंने दिया है। कहते ब्रह्मा का एक दिन में श्रीमद महाप्रभु एक बार आते हैं, हर कलियुग तृतीया में द्वापर में महाप्रभु नहीं आते हैं, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। इसलिए कलियुग को धन्य कलियुग बताया, इसलिए जिसको श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार, ये धन्य कलियुग है। बोले चैतन्य दया करह विचार, विचार कर ले चिते पावे चमत्कार। महाप्रभु का अवतार को जब हम विचार करेंगे हृदय प्रेम जगदत हो जाएगा हृदय में। बोले क्यों, बोले ये ऐसे के कलियुग है। कहते कलियुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। अभी महाराज जी बता रहे थे प्राप्त कलियुग घोरा धरा पुण्य विवर्जिता, कलियुग में जितने सारे अधर्म जितने सारे पाप जितने सारे अनित कलियुग में होने वाले, इसलिए कलियुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन इसी कलियुग में कहते सत्य युग का जो लोग हैं, जो कृतयुग माने जाते हैं, धर्म का जहाँ चार चरण है, त्रेता युग में जहाँ पर राम राज्य हम कहते हैं, द्वापर युग में जहाँ स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जहाँ पर आए, जहाँ पर धर्म चार चरण में रहता है। लेकिन सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों, ये कलियुग में क्या विशेषत्व है। कहते देवता भी इसी कलियुग में क्यों जन्म लेना चाहते हैं, दूसरे दूसरे युग का लोग क्यों जन्म लेना चाहते हैं। बोले कारण है कि तो अनर्पित चरे चिरात करुण यावत न कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसान सुभग स्त्रियम। श्रीमद महाप्रभु ये ब्रह्मा का एक दिन में मतलब 1000 चतुर्युग में एक बार केवल आकर के वो जो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते हैं, जिसको श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं एमन गौरंग बिना नहीं यार हे ना अवतार, अबे की होए छे हे ना प्रेम पर चार, दुरमति अति पतित पासंडी प्राणी न मारिल करे, हरि नाम दिया हृदय सोधिल चाची दिया घरे घर। ऐसे कोई अवतार हुए, कृष्ण के भी दरवाजा दरवाजा गए, राम के भी दरवाजा भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन महाप्रभु संन्यास लेकर के स्वयं अपना जीवन में आचरण करते हुए महाप्रभु अपनी आचरित धर्म जीवन सिखाए, स्वयं आचरण करते हुए दरवाजा दरवाज पर जाते हैं और भीख मांगते किस चीज की। बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण, ये चीज की महाप्रभु भिक्षा मांगते हैं। बोले क्यों भैया, वही तो कृष्ण वही तो राम है, पर ये त्रेता द्वापर युग में इतने दयालु तो बने नहीं, ये कलियुग में इतने दयालु कैसे हो गए, वही कृष्ण राम है ना। बोले कारण है कलियुग में राधा भाव बुद्धि सुबलित नौ कृष्ण स्वरूप, वो इसलिए दयालु है। बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरित राधा रानी अत्यंत दयालु है, राधा रानी अत्यंत दयालु कृपालु है। इसलिए देखो वृंदावन में ना जितने भी कृष्ण का धाम है, देखना यहाँ पर कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जोर से बोलो और जोर से, देखना यहाँ पर सब के सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले क्यों, बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरित साक्षात करुणा की, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं वैदग्ध्य सिंधु रसमृतैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रसि सांद्रैक सिंधु और श्री राधिके स्फुरत में रसकेल सिंधु। राधा रानी जैसे सप्त सिंधु है, उसी तरह श्री राधा रानी में भी ये सारे समुद्र जितने सिंधु की कृपा की
बात्सल्य की वैदत्त की कृपा की वो सारे सिंधु श्री राधा रानी में विद्यमान और कलयुग में वही कृष्ण श्री राधा जी की भाव और अंगद कांति लेकर के आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु थे, इसलिए बोले करुणयाव तीर्ण कलौ। इसलिए कलयुग में अवतीर्ण होकर के उन्होंने कौन सा प्रेम को दिया है, इसलिए पहला नंबर है महाप्रभु जगत में दिया की, दूसरी है बोले देने का सही किया है। उन्होंने दिया किसको किसको, जैसे कृष्ण आए राम आए लेकिन किसका कल्याण नहीं किया है, वो केवल अपना परिकरों को लेकर आए और परिकरों को प्रेम देकर चले गए। लेकिन इसलिए मैंने चैतन्य महाप्रभु जब आए बोले चारे तारे कई लगा, उन्होंने कोई जाति भाति विचार नहीं किया, उन्होंने बोले चिराग तत्व निज गुप्त विकम, जिस प्रेम धन को बड़े उन्होंने छुपा कर रखे थे उन्होंने आज चंडाले आज चंडाले उन्होंने जगाई माधाई तक, जो इतने पापी थे जगाई माधाई इतने पापी थे जिनका चित्रगुप्त जिनके पाप लीक लीक करके हैरान हो गए। जब जमदूत बोलते थे उनके पाप को चित्रगुप्त मारने दौड़ते थे, बोले दो पापी कभी इतना पाप कर सकते हैं, कभी इतने सारे पाप है उनको पूरा कापी में एकदम भर गया गोदाम भर गया। बोले हे भगवान कब तक ये पाप भोग करेंगे, कब तक ये पाप भोग करेंगे इतने पापी। लेकिन जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनको उधार किया, बोले जब लोगों ने देख देख कर ना सब नृत्य कर रहे थे, बोले पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वहां पर नृत्य कर रहे थे। इसलिए हमारे श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं बोले दयाल नीताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाच रे हर, नाच रे हमार मन नाच रे हमार मन, ए मन दयाल त नहीं है मार के प्रेम दे, अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन। इसलिए इस मेरा मन नित्यानंद महाप्रभु का नाम लेकर नाच उठो, बोले क्यों, बोले के मन दयाल ते नाही है मार के प्रेम दिए। इसलिए महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु कहते हैं मेरे छी कल सिर काना ताई बोली की प्रेम की बना, इसलिए कोई चिंता मत करो हैं, एक बार हमारे किनिया लहो बोलो गौर हरि, एक बार मेरे प्रभु का नाम बोलो मैं तुम्हारी पास में बीक जाऊंगा तुम्हारी पास में हैं। बोले को नामे अपराध विचार त नहीं है, बोले कृष्ण नाम करे अपराध हर विचार हैं, अपराध हर नाम ले ले नहि विकार, लेकिन नित्यानंद गौर महाप्रभु नामे नहीं से सब विचार, संपूर्ण अपराध रहते हुए भी जब हम कृष्ण नाम करेंगे। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते बोले गौरांग बोले ते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोले ते न यानि बाबे नीरा आर कबे गीताई जाते करुणा हरि रे संसार वासना कार्य तो नरोत्तम दास ठाकुर ये बात कहते हैं हैं। इसलिए कहते महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उन्होंने ताप करने का जो शैली है उन्होंने किसी चीज को ब्राह्मण चंडा रे करे कुला को ली कभी बात छिलो रहेंगे, कभी आपने देखा है हैं ब्राह्मण और चंडाल दोनों मिलकर के सचिनंदन गौर हरि की, कभी अपनी ये लीला कभी देखे हो। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने भविष्यवाणी किए थे बोले एक दिन ऐसे आएगा जहां पर गोरे और काले ये दोनों लोग मिलकर के निताई गौर प्रेमानंदे, ये भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्यवाणी है। इसलिए जब श्रीमान महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को बुलाए बोले सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास आमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश, कहते हे नित्यानंद हरिदास मेरे आज्ञा को सुनो। बोले क्या, बोले मेरे जो आज्ञा है सर्वत्र, चलो प्रभुपाद कहते हैं बोले सर्वत्र का मतलब क्या है, बोले सर्वत्र मतलब केवल भारत नहीं, उसी समय से चैतन्य महाप्रभु इंगित दिया था एक दिन संपूर्ण पृथ्वी में जहां पर से रशिया लंदन फ्रांस अमेरिका, प्रभुपाद कहते हैं सर्वत्र मतलब
केवल भारत नहीं, जिसको महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी ते आसे जाकर नगरा दिग्रा सर्वत्र प्रचार है वरना सुखी है या लोक मर गायब की कीर्ति। वहां पर महाप्रभु स्वयं कहते हैं पृथ्वी ते, केवल भारत शब्द नहीं आया, संपूर्ण पृथ्वी का नाम आया है, है? इसलिए संपूर्ण पृथ्वी में सुखी होकर लोग मेरे नाम को कीर्तन करेंगे और मेरे नाम को गाएंगे। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उनने जो संपूर्ण पृथ्वी में चीज को दान दी, बोले तीसरी जो विषय है, कभी कभी होता है ना, हम कभी कभी कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कुछ देता है, वो साधारण वस्तु देता है लेकिन खूब खाता है, अच्छी बात चीज। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं, महाप्रभु ने जीव को जो प्रदान किया है सो भक्ति श्रियम, महाप्रभु जो वस्तु प्रदान किया है कहते महाप्रभु ऐसे नहीं बढ़िया चीज खाए और देने वालों घटिया चीज दे दिए, बोले नहीं ऐसे चीज नहीं दिए, उन्होंने वो वस्तु प्रदान किया जो चीज को स्वयं आस्वादन करते हैं, हैं? जो चीज को आस्वादन करते वो चीज को प्रदान किया, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं उसकी मंजरी भाव भावोल्लास रहती है, जिसको उज्जवल निर्मल में कहते हैं जो चीज को महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते थे किसी वस्तु को। इसलिए बोले सुखम खात अमृत द्रव सहितम, जैसे कृष्ण जिस रस को आस्वादन करते हैं उसको कौन आस्वादन करती है, बोले श्रीमती राधा रानी। अभी राधा कृष्ण का जो जीवन रस को कौन आस्वादन करती है, ललिता विशाखा सखिया थी, कहते इनके रस को कौन आस्वादन करते, रूप मंजरी, बोले इनके सारे रस को कौन आस्वादन करते हैं, बोले श्री कमल मंजरी भक्त विनोद ठाकुर, बोले इनके सारे रस को कौन आस्वादन करते, बोले श्री विनोद श्री नयनमणि मंजरी श्री प्रभुपाद, बोले इनके सारे रस को कौन आस्वादन करते हैं, बोले उनको नीचे जो श्री विनोद मंजरी, लेकिन ये सबका रस का आस्वादन करने वाले कौन, बोले सबसे जो नीचे, ये सबका रस जो नीचे व्यक्ति इनका सारे रस इनको प्राप्त होना है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं कोई घटिया चीज दी, बोले जो चीज को स्वयं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब समुद्र को जमुना मानकर कूदे, जब महाप्रभु को वहां से निकाले ना, महाप्रभु कहते भैया मेरे को क्यों निकाले, हम तो राधा कुंड में राधा कृष्ण का जल विहार मजे में कर रहा था, मेरे को क्यों वहां से निकाले, मतलब महाप्रभु भी जिस चीज को प्रदान किया छोटे मोटे चीज प्रदान नहीं किया, जो चीज को आस्वादन किया उन्होंने उसी चीज को दिया। और एक मिनट लेता, देखो एक कथा है अनंत संहिता में कथा थी, कहते वहां पर एक समय महाविष्णु वो जाते हैं श्री ये अनंत देव जाते हैं महाविष्णु के पास में, बोले हे महाविष्णु जी आपका आशीर्वाद से मैंने सारे धाम को भ्रमण किया लेकिन अभी तक एक ब्रज धाम को नहीं जा पाया। लेकिन महाविष्णु कहते हैं बोले तुम्हारी बात छोड़ दो, मैं स्वयं नहीं जा पाया, कारण साई गर्भदत्त साई क्षीरोद साई विष्णु वे लोग भी वो ब्रज धाम में प्रवेश नहीं कर पाए। तो ब्रजधाम की बात कर रहे हो जहाँ पर उद्धव जी यहाँ पर गुल्म लता औषध रूप में वृक्ष लेना चाहते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी तद भूरी भाग्यम यह जन्म क्यम अटव्या, जहाँ पर छोटे जाति को चरण को नीचे पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, जहाँ पर स्वयं शंकर जी गोपी बन करके आते हैं, जिस चीज को पाने के लिए लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ का त्याग लेकर बिहार का मान सुचिर दीर्घता वो कठोर तपस्या कर रहे हैं, इनको भी प्राप्त नहीं हुआ, बोले फिर क्या नहीं मिल सकता, बोले हाँ एक उपाय है, बोले क्या उपाय है, बोले जब तक ब्रज गोपियों की कोई अनुगत नहीं करेगा वो चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ये ब्रज गोपियों का अनुगत भी कोई साधारण वस्तु नहीं, ये भी कोई साधारण वस्तु, बोले बोले मिल नहीं सकता, बोले हाँ एक सबसे एक सरल उपाय है, बोले क्या है, बोले अभी वो ब्रज प्रेम को देने के लिए श्री सचिन गौर हरि स्वयं श्री नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हो गए हैं। इसलिए अगर कोई श्री नवद्वीप धाम में जाए वैष्णव का आनुगत्य में गौरव अमर जैसा स्थान है करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरवामी प्रणय भक्ति संगे, महाप्रभु का धारा में जो अभिषिक्त भक्त है अगर उनके अनुगत्य में कोई परिक्रमा करे और ब्रज श्री नवद्वीप धाम का चरण धूलि में लगाए पास नवद्वीप धाम जाकर परिक्रमा करे तो एक बार श्री सचिनंदन गौर हरि की, अगर कोई वहां पर जाए तो अपने आप ये नर्तन दान चक्र कहते हैं गौरव प्रेम रसार नवे सतरंग जवानी में से राधा माधव अंतरंग, महाप्रभु को प्रेम धारा से सिक्त होकर के उसमें जो डुबकी लगाते हैं अपने आप मिल जाता है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान, इसलिए देखो चैतन्य भागवत ने एक बात बताया बोले अनिल दुख हैया जो सकृत कृष्ण, बोले ये चीज को ध्यान रखना, महाप्रभु कहते हैं वो प्रेम तो मिलेगा लेकिन अनिंदु को हैया,
जिसकी निंदा चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक मक्खी और एक मधुमक्खी है। मक्खी क्या करता है? गांधी जी पे बैठता है। और मधुमक्खी कहाँ बैठता है? सहेब फूल को पर बैठता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अनिंद को हैया जो सकृत कृष्ण बोले, जो एक बार केवल कृष्ण नाम लेते हैं, बोले अजय चैतन्य सही जिन्हें हेले, जो महाप्रभु कोई जीत नहीं सकता है वो अजय चैतन्य महाप्रभु अपने आप प्राप्त कर लोगे। इसलिए साधारण व्यक्ति का निंदा तो है ही है, लेकिन अगर कोई वैष्णव का निंदा होता है इससे तो निकालना बड़ा कठिन। दस्तर का अपराध में वैष्णव निंदा को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान की। इसलिए हम लोग किसी की निंदा चर्चा नहीं करते हुए बस गुरु वैष्णव के आनंद करते हुए भगवान की भक्ति करें और जीवन को सार्थक बनाए। वैष्णव नमो नमः।